यूपी के गोरखपुर में मेडिकल माफियाओं के बड़े गैंग पर शिकंजा कसा गया है। मामले में एक प्राइवेट अस्पताल के चिकित्सक, संचालक समेत कुल 8 लोगों को अरेस्ट किया गया। ये सभी सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को झांसे में लेकर प्राइवेट अस्पतालों में ले जाकर उनसे मोटी रकम ऐंठते थे। हैरत की बात यह है कि इस अस्पताल में देर रात पड़े छापे के दौरान आईसीयू में लाश का भी इलाज किया जा रहा था। इसके एवज में तीमारदारों से रुपए ऐंठे जा रहे थे। मामले में मृतक मरीज शिव बालक प्रसाद के बेटे ने दोषियों पर सख्त एक्शन की मांग की है। उसने कहा कि हमें लगा कि पिताजी जिंदा हैं, लेकिन डॉक्टर उनके मरने के बाद भी इलाज का ढोंग करते रहे। गोरखपुर के डीएम कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई की मौजूदगी में 8 आरोपियों, इशू अस्पताल के संचालक, चिकित्सक, प्रबंधक, एम्बुलेंस चालक, अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस दौरान एसएसपी ने बताया कि प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 8 मेडिकल माफियाओं को अरेस्ट किया गया है। ये लोग बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आने वाले आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और बिहार के परेशान मरीज और तीमारदारों को चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ बनकर झांसे में लेते थे और प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज करवाने के नाम पर पैसे ऐंठते थे। एसएसपी ने बताया कि जांच के दौरान अस्पताल में 3 मरीज भर्ती पाए गए। अस्पताल में कोई भी चिकित्सक मौजूद नहीं था, वहां पर मात्र पैरामेडिकल स्टाफ उपस्थित था, जिसकी शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा इन फार्मेसी है। पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा बताया गया कि अस्पताल वेणु पत्नी नितिन यादव द्वारा संचालित किया जाता है। अस्पताल डॉक्टर रणजय प्रताप सिंह के नाम पर पंजीकृत है। भर्ती मरीजों के तीमारदारों ने जानकारी दी कि तीनों मरीज पहले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए थे, जहां पर आरोपियों ने मेडिकल कॉलेज में मरीजों की उचित स्वास्थ्य सुविधाओं के नहीं होने की बात कहकर उन्हें विश्वास में ले लिया और फिर सभी को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया। तो यहां पर इलाज के नाम पर लोगों से सिर्फ पैसे ऐंठे जा रहे थे। परिजन बार बार डॉक्टर को बुलाने की बात करते रहे, लेकिन यहां पर डॉक्टर को नहीं बुलाया गया। इस दौरान जो शख्स था उसकी मौत भी हो गई, लेकिन मौत होने के बाद भी वो सिर्फ यहां लाश का इलाज करते रहे। मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगाकर इलाज का नाटक किया जा रहा था। दवा इंजेक्शन के नाम पर धोखे से रुपए ऐंठे जा रहे थे।